नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कर्नाटक में फिर से कमल खिला तो कांग्रेस के कब्जे से एक बड़ा किला छिन गया, लेकिन कांग्रेस के लिए यह मुसीबत कर्नाटक तक ही सीमित रहती तो गनीमत थी। कर्नाटक का गढ़ ढहने के बाद टकराव का जो युद्धनाद है उसने राजस्थान तक हलचल मचा दी। सवाल यह उठता है कि क्या मोदी 2.0 में कांग्रेस मुक्त भारत का सीजन 2 शुरू हो चुका है? सुनो सुनो सुनो, कर्नाटक के खेल में कमल का कमाल देखो। नानो मोकिन करे सिद्धलिंगप्पा येडियुरप्पा एमएसएन नानो। ये भारतीय जनता पार्टी का इलॉजिकल, इललेजिटिमेट, अपवित्र तरीके है, उससे सरकार बना रहा है। कोई लोगों ने इसको मैंडेट नहीं दिया। कर्नाटक की सरकार वो अपने कारणों से गई है। जब कर्नाटक के अंदर जनादेश मिला था और बुरी तरह से विपक्ष हार गया था और उस वक्त सरकार बनाना क्या वो जायज था? कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन बनाए समर्थन दिया और फिर धोखा किया। एमपी के अखाड़े में कमलनाथ की चाल देखो। जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, शुरुआती से हमारे आईकॉन रहे हैं। कोई मान सम्मान भी नहीं मिला तो मुझे लगा कि ऐसे दल में रहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से आप अलग हो? मैं भाजपा से बिल्कुल उनके कर्मों के कारण, उनके जो कर्म है, उनकी जो जिस तरह कार्यशैली है उसके आधार पर मैं भाजपा से अलग। समय आने पे हम 4 विधायकों को पेश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब कहेंगे तब उनको पेश करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ी घटना है कि 7 महीने सरकार चल गई। मैं मान के चलता हूँ कि अब इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है और अब इसको जाना पड़ेगा। पर ये कमलनाथ की सरकार, कुमार स्वामी। देखो देखो देखो, राजस्थान में राज गद्दी के लिए मचता हुआ धमाल देखो। सरकार को गिराने का काम ये कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग ये कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का फिर से उठता हुआ सवाल देखो। कांग्रेस मुक्त भारत का फिर से इसीलिए उठा ये सवाल है क्योंकि पहले से ही लोकसभा चुनावों में हार के बाद राज्यों के मोर्चे पर भी कांग्रेस का बुरा हाल है। कर्नाटक गया तो 5.5 राज्यों की सत्ता सिकुड़कर 4.5 राज्यों तक सिमट गई। एमपी में बीजेपी को झटका जरूर दिया लेकिन बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की तलवार अभी लटकी है। राजस्थान का भी हाल बुरा है। कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी है या जागने का आखिरी अलार्म है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर इस किस्म के इल्जाम पहले भी लगते रहे। गोवा के अंदर जब सरकार बनी तब भी लगे, अरुणाचल में जब सरकार बनाई गई तब भी लगे। तो जहाँ जहाँ इन्होंने सरकारें जबरदस्ती बनाई हैं वहाँ इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं। सिर्फ 14 महीने के अंदर कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी फिर से लौट आई। येदुरप्पा 4थी बार सीएम बन गए। सोमवार को येदुरप्पा की भी परीक्षा है, बहुमत परीक्षण में खुद को पास कराना होगा। खबरें तो ये भी हैं कि इस खेल में जेडीएस के कुछ लोग भी अब येदुरप्पा को समर्थन देने की बातें करने लगे हैं। मतलब ये कि फिलहाल सीन में बीजेपी है, जेडीएस है, कांग्रेस कहीं पीछे छूट गई। राजनीति में अगर जो जीता वही सिकंदर का फॉर्मूला लगता है तो बीजेपी के तेवर साम दाम दंड भेद की हर नीति वाले लगने लगे हैं। मतलब सत्ता के लिए कुछ भी। बड़े जतन से सरकार बनाई थी तब सोचा ये था कि लोकसभा चुनावों के बाद भी ये गठबंधन सत्ता का बंधन बना रहेगा, मिलकर सरकार चलाएंगे, बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के दावे को अंगूठा दिखाएंगे। कांग्रेस ने इस पिक्चर में सपोर्टिंग एक्टर का रोल तक कबूल कर लिया था। लेकिन हाय री किस्मत, सत्ता का बंधन तो बचा ही नहीं, गठबंधन भी पता नहीं कितने दिन चल पाएगा। बीजेपी जो पहले ही कर्नाटक के नाटक में सक्रिय थी अब लीड रोल में आ गई है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि तरीका गलत है। जब कर्नाटक के अंदर जनादेश मिला था और पूरी तरह से विपक्ष हार गया था, जब कांग्रेस कोसों दूर थी और उस वक्त सरकार बनाना क्या वो जायज था? एक अनहोली अलायंस करके इस तरह से सरकार बनाई गई। कर्नाटक की अगर जो जनादेश था वो क्या था? वो कांग्रेस की और जेडीएस की सरकारों के खिलाफ था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। तो मुझको लगता है कि कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया था आज उसका सम्मान हुआ है। खुद की किताब में भले लाख किस्से सियासी उठापटक से सरकारें बनाने बिगाड़ने के दर्ज हो, लेकिन बीजेपी आंकड़ों की दुहाई देकर कर्नाटक सरकार की पहली ही भविष्यवाणी करने लगी थी। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 38।
224 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 113 विधायकों का समर्थन चाहिए था। बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन बहुमत से दूर रहने की वजह से बीजेपी सरकार गिर गई। कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए आधी सीटों वाली जेडीएस के मुखिया कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया। कुमारस्वामी को क्या पता कि उस वक्त जो उनके खैरख्वाह शपथ ग्रहण का भोज जीमने आए थे, वो खुद उनकी सरकार के दिनों को गिना चुना बताने में मशगूल थे। गठबंधन की गांठें अक्सर टाइट होती थी तो कुमारस्वामी का दम घुटने लगता था। वो सरेआम मंचों से अपना दर्द बयां करते थे। एक आंख से कृष्णा और दूसरी से कावेरी का जल बहाते हुए तो उन्हें सबने देखा, बार बार देखा, कई बार देखा। सत्ता में रहते जो दर्द कुमारस्वामी का छलकता था, वही दर्द राहुल गांधी का सत्ता छीनने के बाद छलका। वक्त रहते कांग्रेस ने अपने किले के दरकते पत्थरों की मरम्मत नहीं की, अब जब कारवां गुजर गया तो गुबार देखते रहे। जो पाया था 2018 में, 2019 में उसे खोना शुरू कर दिया। उन लोगों का लालच जीत गया, लोकतंत्र, ईमानदारी और कर्नाटक के लोगों की हार हुई। कर्नाटक के सियासी मिजाज को यूं भी गठबंधन कभी रास नहीं आया। जब से कर्नाटक बना है तब से लेकर अब तक चुनाव बाद गठबंधन से बनी कोई सरकार कभी टिकी नहीं है। और तो और, पूरे इतिहास में सिर्फ दो बार ऐसा हुआ जब कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया। सिद्धरमैया उनमें से एक। कांग्रेस ने दिल पर पत्थर रखकर कुमारस्वामी को गद्दी सौंपी थी, लेकिन सत्ता ने ही उनसे ब्रेकअप कर लिया तो तीस तो उठेगी। देखिए, सबसे बड़ा आप सबको जानकारी है कि कर्नाटक में जो सरकार बनी है अनैतिक सरकार है। ये तो हम सदन में भी उठाई ये बात, डरा के लुभा के ये सरकार बनाया गया। फिर भी ये सरकार की जान कब तक रहेगी ये भी पता नहीं है खुद सरकार के। जिसलिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं लेकिन दिल्ली से कोई नेता नहीं जाते, इसमें क्या साबित होते हैं? साबित होते हैं कि उसका खुद यकीन नहीं है और उनका खुद इस तरीके की सरकार बनाने में वो चाहते हैं कि कोई तर्क से बाहर रहे। तो ये येदियुरप्पा के ऊपर छोड़ दिया गया, मरे ये बचे वो खुद येदियुरप्पा के होगा। राजनीति अगर जंग है और इश्क सत्ता से हो तो इश्क और जंग में सब जायज है वाला फलसफा सियासत पर लागू होता है। वैसे सियासत के डीएनए में ये भी है कि खुद की शर्ट कितनी भी रफू की हुई हो, उंगली हमेशा दूसरे के पैबंद पर जाती है। कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन बनाए समर्थन दिया और फिर धोखा किया। ये बेईमान पार्टी का इतिहास अगर आप देखें तो चौधरी चरण सिंह जी को पहले प्रधानमंत्री बनाया फिर सरकार गिरा दी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया सरकार गिरा दी, सीनियर देवेगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाया फिर गिरा दिया, गुजराल साहब को बनाया गिरा दिया। पहले दिन से ही तय था कि अस्वाभाविक गठबंधन है, इसका सिद्धांत और कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं है और कांग्रेस इसको गिराएगी। मान गए उस्ताद की जगह अगर ये कहें कि मान गए शिवराज तो गलत नहीं होगा। सियासी हिस्ट्री की पूरी किताब बिना सांस लिए सुना दी पर बीजेपी वाले पन्नों का एक भी लफ्ज नहीं पढ़ा। वैसे अगर सही से पढ़ते तो उसमें ये भी आता कि कर्नाटक में सरकार बनाने के पीछे सबसे बड़े दल होने की दुहाई देने वाली बीजेपी गोवा मणिपुर को भूल जाती है, जब वहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकारें बीजेपी ने बनाई। वैसे जरा जिक्र बिहार का भी बनता है। नीतीश सरकार का आरजेडी से तलाक और बीजेपी से पुनर्विवाह भी कुछ कुछ ऐसा ही था। नंबर 3 की बीजेपी वहां नंबर 2 के जेडीयू के साथ सरकार में है और नंबर 1 की आरजेडी खेल से बाहर है। हम जो चाहते हैं सेक्युलर पार्टीज एक होके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको जो वोट मिले हैं और जनता ने जो आपको सपोर्ट किया है दो सेक्युलर डेमोक्रेटिक और संविधान के तहत चलने वाले प्रतिनिधियों को उन्होंने सपोर्ट किया है। हालांकि सियासत का सेंटर स्टेज फिलहाल कर्नाटक है और सबके पास अपने अपने नाटक के डायलॉग्स तैयार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कर्नाटक की सरकार
वो अपने कारणों से गई है और उसके बाद वहां येडियुरप्पा जी आगे बढ़े। यह प्रजातंत्र की दृष्टि से जहां जहां की सरकारों का जिस तरीके का वातावरण होता है, जैसे वो गवर्न करते हैं, उसके नतीजे होते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ प्रशासन देने का के लिए कटिबद्ध रही है और वही को उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से विधायकों की खरीद बिक्री हुई है और उनको प्रलोभन देकर सरकार को गिराकर फिर से सरकार बनाने का जो बीजेपी का प्रयास है, इसमें थोड़े दिनों की सफलता हो सकती है, लेकिन ये आने वाले समय में कर्नाटक के लिए, कर्नाटक की जनता के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि पीपुल्स वर्डिक्ट के खिलाफ ये सरकार बनी। स्पीकर महोदय भी फिलहाल एक्शन में है। ताबड़तोड़ 3 विधायकों को अयोग्यता का सर्टिफिकेट थमा दिया। 12 की किस्मत अब भी उनकी जेब में है। फिलहाल बीजेपी जेडीएस के क्या पाया क्या खोया से कहीं ज्यादा अस्तित्व का सवाल कांग्रेस के सामने खड़ा है। देश के नक्शे में पहले से वो सीमित थी, अब तो जमीन और भी कम होती जा रही। कर्नाटक में जो हुआ वो तो होना ही था, ये कहने वालों की संख्या कम नहीं है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक वापसी के साथ ही कर्नाटक के भविष्य पर किंतु परंतु लगने शुरू हो गए थे और केंद्र में मोदी सरकार की वापसी के 2 महीने के अंदर कर्नाटक का उलटफेर इस बात का संकेत है कि बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत वाले अश्वमेध का रथ दौड़ा दिया है, जो कर्नाटक में अपना झंडा गाड़कर आगे के मिशन पर निकल चुका है और अब उसकी नजर कांग्रेस के बाकी बचे हुए किलों की तरफ है। लेकिन कांग्रेस अभी लोकसभा की हार का मातम मनाने में ही व्यस्त है। नीति शास्त्र कहता है कि जब सब जा रहा हो तो जितना बच सके उसे बचाने के लिए जूझना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के विचार मंडल में शायद कोई बचा ही नहीं जो उन्हें ये सब याद दिला सके। कर्नाटक में सरकार जब जा रही थी तब गोवा में 15 में से 10 विधायक ही पार्टी को टाटा बाय बाय कर चुके थे। एक लिमिट होती है, बहुत लोगों ने बहुत बार, लास्ट टर्म भी वो ओपोजिशन में थे, ये टर्म का अभी 2.5 साल हो गया, लगभग 7-7.5 साल हो गए ना, तो अभी भी कुछ ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बाबा अच्छे दिन कांग्रेस के लिए आएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गोवा में उन लोगों ने हमारे साथ में आने के लिए बात की तो हम लोगों ने उनको वेलकम कर दिया है। गोवा जहां कांग्रेस बीजेपी पर भारी थी, अब बस जीत के मंसूबों की अंतिम यात्रा में 4 कंधे देने लायक ही बची है। हर तरफ शोर मचा लेकिन कांग्रेस के सभागार में पसरा सन्नाटा भंग नहीं हुआ। 2004 में कांग्रेस की 14 राज्यों में सरकार थी, 2009 में वो संख्या घटकर 11 राज्यों तक रही, 2014 में 9 राज्य रह गए और 2019 में 6 राज्यों में से भी एक राज्य कर्नाटक कम होने से संख्या 5 रह गई। हालांकि इन 5 में एक पुडुचेरी भी है। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। आज भी याद है, मैंने दूरदर्शन में देखा था, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताना लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी परिवार नियोजन में मानती है, हम दो हमारे दो, दो यहां आ गए, दो बाहर रह गए। अटल जी अडवाणी जी के लिए तंज कसते थे, तंज कसने वालों को आज विपक्ष का नेता का पद भी नहीं मिला। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि संघ शक्ति युगे युगे, यानी हर युग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन की शक्ति होगी, लेकिन जब संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत है तब कांग्रेस मनमुटाव की गांठों में उलझी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस सिंधिया, राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की खींचतान किसी से छिपी नहीं। इस साल के आखिर तक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनावों का भीषण संग्राम होना है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इन राज्यों में आपस में लड़ने में बहुत व्यस्त है। कर्नाटक बीजेपी के लिए कांग्रेस मुक्त भारत का एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई की शुरुआत अब भी बन सकता है। कांग्रेस के पास खोने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, पाने के लिए आसमान है। मध्य प्रदेश से एक आवाज उठी है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, लेकिन बीजेपी का पलटवार भी मुमकिन है। वो कहावत सुनी है आपने, चौबे चले छब्बे बनने दुबे बनकर आ गए,
अगर नहीं सुनी तो इसे एमपी में चल रहे सियासी खेल के जरिए समझिए। हुआ यूं कि कर्नाटक की कहानी बीजेपी ने एमपी में दोहराने के लिए ताल ठोंकी, लेकिन कमलनाथ ने ऐसा धोबी पाट मारा कि बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। हालांकि बीजेपी का अगला दांव आना अभी बाकी है। दावा बीजेपी का था, गठबंधन ही चल रहा है, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कुछ निर्दलीय, ऐसे मन चले लोगों के साथ में कोई बहुत लंबे समय तक सरकार नहीं चलाई जा सकती। और जितने समय भी चली, यह भी एक बहुत बड़ी घटना है कि 7 महीने सरकार चल गई। मैं मान के चलता हूँ कि अब इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है और अब इसको जाना पड़ेगा। दांव कांग्रेस का, पर ये कमलनाथ की सरकार है, कुमार स्वामी की नहीं। कमलनाथ जी, मैं समझता हूँ कि 7 जन्म लेने पड़ेंगे इनको। चाल मोहरों की, खेल बादशाहत का। ये बात एक दफा सिद्ध करनी थी कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। आज ये जो मतदान हुआ है, ये मतदान केवल एक विधेयक पर नहीं है, ये मतदान बहुमत सिद्ध करने का मतदान है। और आज 122 मत जो मिले हैं कांग्रेस को, ये सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस बहुमत की सरकार है, जो आज की सरकार है बहुमत की सरकार है। लेकिन एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहकर कि पिक्चर अभी बाकी है, संकेत दिया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब घबराई हुई कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गंदगी फैलाने की शुरुआत की है, वो सफल नहीं होगी। शुरुआत उनने की है, समापन हम करेंगे। जुबानी जमा खर्च की रस्साकशी के बाद एमपी विधानसभा में विधेयक पर शक्ति परीक्षण हुआ तो बीजेपी के 2 विधायकों ने कमलनाथ के हाथों में कमल सौंप दिए। कहां तो बीजेपी ने यह सोचा था कि कर्नाटक के जोश में एमपी में भी कमल खिला देंगे, कहां कमलनाथ के दांव से कमल ही मुरझाने लगे। बीजेपी में ऐसे बहुत से विधायक हैं जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है और जो वहां पे परेशान है, उनकी उनके यहां जो कहना चाहिए हिटलर शाही चलती है उससे परेशान है। कमलनाथ जी के संपर्क में बहुत से विधायक हैं, आप देख लेना, लाइन लग जाएगी। पर क्या सचमुच ये संभव है कि एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है? क्या बीजेपी सचमुच ये प्लानिंग कर रही है कि एमपी भी कांग्रेस मुक्त हो जाए? मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बीजेपी तैयारी कर रही है, तैयारी मजबूरी में करना पड़ेगा। एक हिसाब से देखें तो संकेत ऐसे मिलते हैं कि ये बीजेपी के एजेंडे में शामिल है, क्योंकि एमपी में किरकिरी के बाद राज्य के बीजेपी नेताओं को दिल्ली तलब किया गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल एक साथ है, एकजुट है। जब आवश्यकता होगी शक्ति परीक्षण की, उस समय पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हमने पहले भी कहा है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोई मंशा नहीं। हालांकि जिन 2 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले, वो दोनों 2018 तक कांग्रेस में ही थे, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस के बीच इतना बारीक फासला है कि इस बात के मायने अहम नहीं रह गए कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस ने जीती थी 114 और बीजेपी ने 109। बहुमत से कांग्रेस 2 सीट कम रह गई थी, उसे समर्थन मिला 2 बीएसपी, 1 समाजवादी पार्टी और 4 निर्दलीय का। इतनी बारीक मेजोरिटी के कारण ही बीजेपी के 2 विधायकों का साथ कांग्रेस के लिए राहत और बीजेपी के लिए झटका बनकर आया। एक और 2 नंबर की बात नहीं जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आपने 2 तो नहीं की गिरा दिए। हाँ, 1 और 2 की परमिशन। ये तो रोज कहते थे 8 हमारे साथ हैं, 10 हमारे साथ हैं, अब ये 10 तो दिखे नहीं। मुझे तो बात सिद्ध करनी थी कि हमारी सरकार अल्पमत की सरकार नहीं है। भले पूरी कांग्रेस का हाल ये हो कि पार्टी है लेकिन अध्यक्ष नहीं, कार्यकर्ता है पर जोश नहीं, संगठन है पर होश नहीं, बड़ी से बड़ी पराजय पर किसी के मन में कोई रोष नहीं, लेकिन एमपी में कमलनाथ ने ये बता दिया कि फिलहाल प्लानिंग तो उनकी ही चल रही है। वैसे 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनावों में जब मोदी लहर चरम पर रही तब भी कमलनाथ का किला अजय रहा। पहली मोदी लहर में वो खुद जीते, दूसरी बार उनके बेटे ने जीत हासिल की। बड़ी बात ये कि समूचे एमपी में इस बार कांग्रेस की ये इकलौती सीट थी। बीजेपी को भी कमलनाथ की संगठनात्मक शक्ति का एहसास है, लेकिन कर्नाटक के जोश में मध्य प्रदेश का अध्याय कुछ जल्दी ही खुल गया।
कांग्रेस को इससे संजीवनी मिले न मिले, बीजेपी को मात से पहले शह जरूर मिल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार कोई गिरानी नहीं थी, नहीं तो हम बनने ही नहीं देते, और इसलिए हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि कोई सरकार गिराई जाए। अब खेल कांग्रेस ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह की नॉन स्टॉप बयानबाजी चल रही है, उसे देखकर इस बात को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता कि एमपी में ऑल इज वेल। ये बड़बोलापन है। मंत्रियों को बातचीत की मर्यादा रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जहां पर वो जो कह दें और हो जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। देखिए, कर्नाटक में भी जो स्थिति बनी है वो कांग्रेसियों के जाने के बाद ही बनी, तो मुझको लगता है कि कांग्रेसियों को अपने विधायकों को संभालना चाहिए। हम लोगों के ऊपर शक और शंका करने की कोई वजह भी नहीं है। कांग्रेस ने पूरी तैयारी का दावा भले ही किया है, लेकिन यहाँ के अंकगणित ने मामले को उलझा रखा है। भीतर ही भीतर कांग्रेस की सांसें अटकी हुई हैं, पर मामला राजनीति का है, सो कॉन्फिडेंस ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो जो मैं समझता हूँ कि नियत में कभी घोर कसर नहीं छूटी कि वो डिस्टर्ब नहीं करे सरकार को, वो उनका काम कर रहे हैं। पर ये कमलनाथ की सरकार है, कुमार स्वामी की नहीं। कमलनाथ जी मैं समझता हूँ कि 7 जन्म लेने पड़ेंगे इनको। इस पूरे घटनाक्रम के बाद खबर यह है कि एमपी में मिशन कांग्रेस मुक्त भारत की कमान फिर से शिवराज सिंह ने अपने हाथों में ले ली है, और बीजेपी का पूरा नेतृत्व उन्हें ये इशारा कर रहा है कि मत चूको चौहान। हमारी और उनकी सीटों में बहुत अंतर नहीं है। सपा बसपा के साथ उन्हें सरकार बनाई, लेकिन नैतिकता का तकाजा था। मैंने कहा कि हमसे ज्यादा सीट कांग्रेस की है तो हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, और इसलिए हमने दावा पेश नहीं किया। कांग्रेस को सरकार बनाने दी। अब घबराई हुई कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में गंदगी फैलाने की शुरुआत की है, वो सफल नहीं होगी। शुरुआत उनने की है, समापन हम करेंगे। मध्य प्रदेश से इतर सुबुगाहट तो राजस्थान को लेकर भी है कि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत वाले प्लान में ये राज्य भी शामिल है। हालांकि फिलहाल ये केवल अटकलें हैं, क्योंकि मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस के 112 और बीजेपी के 72 विधायक हैं। पेच केवल एक है कि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सत्ता को खामोश चुनौती उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के रूप में मिल रही है। आम जनता की उम्मीद नहीं थी कि ये जीतने के बाद में एनडीए गवर्नमेंट वाले हरकतें करेंगे, सरकार को गिराने का काम भी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग ये कर रहे हैं, पैसे के लेन देन के माध्यम से खरीद फरोख्त कर रहे हैं ये एमएलएज की। इनका बस चले हिंदुस्तान भर में यही काम करेंगे, और कोई काम तो है नहीं इनके पास। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है देश की, युवा में आक्रोश पैदा हो रहा है, वादे खूब कर लिए। राजस्थान में सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगातार मेहनत की थी, और मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस को निर्णायक बहुमत दिलाया था। कहना गलत नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री का अघोषित चेहरा थे, पर सत्ता मिलने के बाद जब सीएम बनाने की बारी आई तो पुराने चेहरे अशोक गहलोत पर दांव लगा दिया गया। पायलट समर्थकों का खुद को ठगा हुआ महसूस करना लाजमी था। राजस्थान में कांग्रेस अपनी ही दुश्मन खुद है, यानी बीजेपी से नहीं, यहाँ तो उसे खुद से ही खतरा है। रही बात पंजाब की, तो यहाँ अमरिंदर सिंह किंग है, और उन्हें चुनौती देने वाला आसानी से किनारे लग जाता है। पंजाब में अमरिंदर के नाम पर ही कांग्रेस ने चुनाव जीता था। सरकार गठन के बाद भले ही नवजोत सिद्धू से उनका टकराव जग जाहिर होने लगा, लेकिन अमरिंदर सिंह पुराने सियासतदान हैं। उन्होंने राज्य और अपनी सत्ता दोनों को आसानी से संभाल लिया। मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार, कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ना, ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई। मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है। मैंने 13 मिनिस्टर्स की पोर्टफोलियो चेंज किए हैं, इनमें सिद्धू का चेंज किया फ्रॉम अर्बन लोकल गवर्नमेंट टू पावर एंड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर, विच फॉर अस इज अ क्रिटिकल थिंग इन पंजाब। वी सिचुएशन बहुत खराब है, इट इज माई आई एम एवरी डे इवन टूडे every day I receive what is the power situation in the state. Now that's the job of the minister to do, but if he doesn't want to do it, then I can't do anything about that.
एक बात स्पष्ट है, जितने भी राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है वहां छत्तीसगढ़ को छोड़कर या तो अंदरूनी कलह से परेशान है या फिर कमजोर आंकड़ों से। जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं वहां भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र के 280 में से कांग्रेस के पास 40 ही सीटें, हरियाणा के 90 में से 17 और झारखंड के 81 में से 6 सीटें। बाकी बड़े राज्यों में भी उसका जनाधार खिसक रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास केवल 7 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 43, जहां बीजेपी तेजी से विस्तार कर रही है। लोकसभा की 250 सीटें देने वाले 6 बड़े राज्यों यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पार्टी के संगठन का ढांचा न के बराबर है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 आम चुनावों के प्रचार के दौरान बुलंद किया। केंद्र से बीजेपी ने कांग्रेस को बेदखल कर दिया और फिर एक एक करके कांग्रेस शासित राज्यों में यह क्रम शुरू हुआ। लेकिन 2019 के नतीजों के बाद कांग्रेस ने जिस तरह सरेंडर कर दिया है वो बीजेपी का काम और आसान कर रही है। यूं तो 2019 के चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद से ही राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, लेकिन जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने 3 जुलाई को ट्विटर पर अपने इस्तीफे को सार्वजनिक कर दिया। देखिए, हम सबकी तो ये इच्छा थी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में रहे, लेकिन वो उन्होंने एक निर्णय ले लिया है, वो नहीं रहना चाहते। हमारी भी इच्छा है कि इस रूप में रहे, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनका दिशा निर्देशन बहुत जरूरी है पार्टी के लिए। उन्होंने बहुत मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तुमने कहा कि देश में तानाशाही आएगी, फासिज्म आ गई, हिटलर आ गया, ये सारा का इस टाइम पर मैं मैदान छोड़ के भाग रहा हूँ। कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे या फुकेट जाएंगे? यहाँ कोई मैदान में तो नहीं घूमने वाले हैं, तो इसीलिए मैं रणछोड़ों के बारे क्या मैं करुणा व्यक्त कर सकता हूँ। उसके बाद से कोई उन्हें मनाने में लगा रहा, कोई इमोशनल अपील करता रहा, कोई जुगत भिड़ाता रहा, कोई नसीहत देता रहा, लेकिन महीना खत्म होने को आ रहा है, कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है। बीजेपी लगातार गांधी परिवार पार्टी पर एक अधिकार को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना गांधी सरनेम का कोई व्यक्ति क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसा रसूख रखता है जो पार्टी को बांध पाएगा? एक ऐसे दौर में जहां हर चंद महीने में कोई नया चुनाव होता है, वहां अगर पार्टी को पलटवार करना है तो एक एक दिन जरूरी है। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम में बीजेपी को सबसे अधिक सपोर्ट जैसे कांग्रेस से खुद ही मिल रहा है। बीजेपी ने एक नारा दिया, 2014 के हिसाब से बहुत महत्वाकांक्षी नारा था, लेकिन बीजेपी ने अपने विस्तार के लिए छोटे से छोटे राज्य में कोशिश की। कांग्रेस केवल बीजेपी की आलोचना और लोकतंत्र पर खतरे की बात करके अपना भला तो कतई नहीं कर रही। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।